भारत में अप्रैल 2022 में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में वृद्धि नरम रही, वहीं घरेलू रसोई गैस एलपीजी की खपत घटी है। ईंधन के दाम रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंचने की वजह से मांग प्रभावित हुई है। उद्योग के आरंभिक आंकड़ों से रविवार को ये जानकारी मिली। मार्च 2022 की तुलना में अप्रैल 2022 में पेट्रोल की बिक्री में वृद्धि 2.1% रही, जबकि डीजल की मांग लगभग सपाट रही। रसोई गैस एलपीजी, जिसकी मांग महामारी काल में ही बढ़ती थी, की खपत में मासिक आधार पर अप्रैल में 9.1% की गिरावट आई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब 4.5 महीने तक स्थिर रखने के बाद 22 मार्च को पहली बार बढ़ाई थी। उसके बाद 6 अप्रैल तक 16 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 10-10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। घरेलू रसोई गैस की कीमत में भी 22 मार्च को 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का दाम 949.50 रुपए पर पहुंच गया था। इस मूल्य वृद्धि के कारण खपत में नरमी आई है। पेट्रोलियम उद्योग के आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने अप्रैल में 25.8 लाख टन पेट्रोल बेचा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 20.4% अधिक है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।